आपको एक ऐसे सिंगर, ऐसे वीडियो डायरेक्टर और ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ मिलवाने जा रहे हैं जिनको इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं है। मेरे साथ हैं एस समीर और विशाल और हरलीन से। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आप सबके लिए। तो हरलीन, आईटी से सिंगिंग का सफर कैसा रहा? आईटी से आईटी प्रोफेशनल होके भी सिंगिंग करना इट्स वेरी बिग चैलेंज। मेरे को सैटरडे संडे ही मिलता है ये काम करने के लिए और मैं सैटरडे संडे पूरा डेडिकेट करके अपना सारी प्लानिंग और सब कुछ म्यूज़िक के लिए करता हूँ और फिर कांटेक्ट करता हूँ सारे डायरेक्टर से एंड डायरेक्टर से। उस दौरान ही मेरे को जितना टाइम मिलता है पूरा डेडिकेट करता हूँ और रियाज भी करता हूँ सुबह के। तो मतलब ये बहुत टफ काम है कि एक आईटी प्रोफेशनल होने के बाद भी मैं म्यूज़िक में अपना करियर सोच रहा हूँ। तो सुनिए, व्हाट अबाउट यू, जैसे आप म्यूजिक बॉलीवुड में म्यूजिक देने जा रहे हो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के, जिसका ट्रेलर काफ़ी चर्चा में है और खामोशी भी दिखती है, आपका जर्नी का ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा? जर्नी मेरा यहाँ अगर साथ में अच्छी टीम मिल जाए, समझने वाले लोग मिल जाए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो ये जो सॉन्ग है हरलीन, आपकी रियल लाइफ थोड़ा बहुत रिलेट करता है जैसे जिस तरह से दिखाया गया सॉन्ग में, ऐसा कुछ रियल लाइफ में हुआ आपके साथ? नो, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट ये हमने मतलब मैं बहुत इमोशनल हूँ एज ए आर्टिस्ट, सो मुझे इमोशनल स्टोरी, आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम हैरी संधू, उस हार्डी संधू से इंस्पायर्ड हूँ मैं। सो इसलिए मैंने ये सॉन्ग की बिकॉज उनका पहला सॉन्ग जो था सोच, उससे बहुत इंस्पायर्ड, उसका कवर सॉन्ग भी मैंने किया हुआ है इसलिए, क्योंकि मैं उनसे इंस्पायर्ड था, बिकॉज ये जो स्टोरी पे का काम करते हैं वो हट के, सब लोगों से हट के जो काम करते हैं वो मुझे हट के करना पसंद है, इसलिए मैंने ये स्टोरी सॉन्ग किया। मैं एक म्यूजिक अरेंजर भी हूँ, मैं एक साउंड इंजीनियर भी हूँ। मैंने अभी एक सॉन्ग मिक्स किया था बहुत ही पॉपुलर था, जैस्मिन सॉन्ग मिक्स था हीरा, तो वो मैंने मिक्सिंग मास्टर किया। तो इट्स अच्छा लगता है कि अगर एक फील्ड में ना लेके जब दो तीन फील्ड रहते हैं तो अपने आप को बिजी, लाइक मोनोटनस नहीं रहता काम, वैरायटी रहता है, वेरिएशन रहते हैं काम करने के तरीके, तो अच्छा लगता है। तो आप तीनों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है, पहले विशाल से शुरुआत करते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आपके लिए? चैलेंज तो ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ अच्छा स्मूथली हो गया, अच्छा लगा काम करते हैं। और मेरा चैलेंज यही था कि मैं पुणे से दिल्ली ट्रैवल करता था सॉन्ग की रिकॉर्डिंग के लिए समीर जी के स्टूडियो में, और वो बड़ा चैलेंज था कि सब कुछ प्लान करना, छुट्टी प्लान करना ऑफिस से, देन कमिंग टू द स्टूडियो एंड प्रिपेयर यूर सेल्फ इन अ वे दैट कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ स्टूडियो के अंदर, ये बहुत चैलेंजिंग था। सेम चैलेंज था क्योंकि हरलीन पुणे में थे और मैं दिल्ली में था, और जब भी इनको कुछ करना था, मुझे याद है लास्ट टाइम ये आए थे 2017 दिसंबर में, उन्होंने बोला कि मेरे पास एक हफ्ते का टाइम है गाना बनाने में, एक हफ्ते में गाना नहीं बनता, टाइम चाहिए मुझे, एंड इनको मैंने शायद रोका भी था, इनको वापस जाना था जॉब में, मैंने बोला कि आप ऐसा करो एक हफ्ते लेट जाओ, लेट्स फिनिश द सॉन्ग। तो चैलेंज इनके ऐसा रहा है कि बिकॉज हमारा डिस्टेंस दूर है, इनका वर्क इनको पुणे में लगता है और मेरा म्यूज़िक मैं दिल्ली पहुँच के लाता हूँ। मेरा जोनर जो वैसे मेरा दिस इज़ नॉट माई जोनर विच जो मैंने अभी गाया है, ये मैंने डिफरेंट काम किया है। इससे पहले जो मेरा जोनर हमेशा रहा है वो जैसे से पंजाबी पॉप बीट सॉन्ग्स, इससे पहले दोनों मेरे बीट सॉन्ग्स हैं, तो मैं जब लाइव शोज करता हूँ वो भी मेरे बीट्स की, दैट इज़ माई जोनर, जो जोनर दिलेर भाजी का है, जो जोनर
शेरबाजी का था वो मेरा जोनर है, बट ये सॉन्ग मैंने हार्डी संधू से इंस्पायर होकर किया था, क्योंकि मुझे स्टोरी, मुझे मालूम है पंजाब में स्टोरी वो लोग पसंद आज भी करते हैं, भले स्टोरी सॉन्ग बहुत कम है, बट ये डेफिनेटली। सो आप तीनों के फ्यूचर प्लान्स क्या है? मेरा हॉलीवुड में मूवीज के लिए मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ, अपने एल्बम्स करने, जैसे कि मैं अपने एल्बम्स करते आ रहा हूँ। सो जनरली जो मेरे सॉन्ग रहे उसमें एक कोई मैसेज रहे, बस एक एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑडियंस, बट एक मैसेज देना चाहिए। मेरा कोशिश ये रहेगा जो भी मैं सॉन्ग करता हूँ उसे यंगस्टर्स को कुछ सीख मिले या कोई एक मैसेज। फ्यूचर प्लान्स है, मैं ऐसे ही अपने सॉन्ग्स लाता रहूँगा, पंजाबी सॉन्ग्स और मे बी हिंदी सॉन्ग करूँ, आई डोंट नो, दैट्स नॉट प्लान, बट पंजाबी सॉन्ग्स मैं करता रहूँगा, एल्बम सॉन्ग्स करता रहूँगा। और आगे फ्यूचर प्लान्स में बॉलीवुड, आई एम लुकिंग फॉर ए बॉलीवुड, पंजाबी मूवी में भी मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, एंड हो सकता है मेरा पंजाबी मूवी में भी एक सॉन्ग। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं डायरेक्ट करता रहा हूँ और लोगों के दिल को छू पा रहा हूँ अपने वीडियो से, और लोगों को पसंद आए मेरा काम, आगे फ्यूचर में बॉलीवुड मूवीज तक पहुँचूँ। सो आप तीनों जाते जाते लोहड़ी आ रही है, तो लोहड़ी के संदेश देते जाइए अपने ऑडियंस को, फैंस को, लोहड़ी आपके लिए किस तरह के त्यौहार, आप कैसे सेलिब्रेट करते हो? मैं सबको दिल से लोहड़ी की शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ, विश यू ऑल। जदोए आउंदी ए लोहड़ी बड़ा जी लाउंदी ए लोहड़ी, ओ भैन परावा दी लोहड़ी दिला दे चावा दी लोहड़ी, जदों आउंदी ए लोहड़ी ते खुशियां लाउंदी ए लोहड़ी। तो आप लोहड़ी का